हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के बारे में, और फिर रिफ्लेक्शन हमने देखा था कॉनकेव लेंस में कैसे होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक, किसी हम ये कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, ठीक है, उससे अगर पास होती है, ठीक है, तो उससे पास होने के बाद उसके लाइट में कुछ बेंडिंग्स आ जाती है ना, या तो वो इस तरफ होगा, बेंड होगा, ठीक है, या फिर वो इस तरफ बेंड होगा, मतलब कुछ बेंडिंग ऑफ लाइट होती है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। किसके थ्रू होता है वो? रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि कंसिडर करो, ये कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास का एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर फिल। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, तो क्या होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट आई है, इसमें फॉल करिए, इसमें पास करने के बाद इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। इसका जो कुछ डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये वाटर नहीं होता, ये डेंसर जगह नहीं होती, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, मीडियम जैसे ही चेंज हो जाएगा। देख, जब ये लाइट ऐसे आ रही है तो इस समय जो इसका मीडियम है वो है आपका एयर का मीडियम, इस समय जो मीडियम है वो है आपका वाटर का मीडियम, है ना। तो इसको, एयर को हम बोलते हैं रेयर, ठीक है, और इस वाटर को बोलते हैं डेंसर, तब जो भारी मटेरियल हो, ठीक है। तो रेयर से वो डेंसर में जा रही है, तो रेयर से डेंसर जाने का रूल है, जैसे ही आपका रे जो है वो रेयर से अगर डेंसर में जा रही है, ठीक है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट जो है जो मूव होगी वो होगी टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। यानी जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, तो जो पास होने के बाद जो लाइट होगी वो टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, है ना, बेंड हो जाएगी। मतलब क्या, जैसे इस एग्जांपल की बात करूं, ये वाला एग्जांपल, ये लाइट आई, ठीक है, लाइट आने के बाद नॉर्मल लाइन का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया था, पिछले लेक्चर में, कि नॉर्मल लाइन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर ऑफ द सर्फेस, ठीक है, जहां पे आपका ये रे ऑफ लाइट है, ये जैसे कि रे ऑफ लाइट आई, ये वाली, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के इस सरफेस के पैरेलल, ठीक है, परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। अगर ये डेंसर नहीं होता, अगर ये जो डेंसर है मीडियम, आपका ये डेंसर मीडियम है वाला, ठीक है, अगर ये डेंसर मीडियम नहीं होता तो ये लाइन कुछ ऐसे जाती, मतलब सीधी जाती, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ है, यहां से एयर है ये, और ये क्या है, वाटर है, मतलब कि ये रेयर है और ये डेंसर है, यानी रेयर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जा रहा है, यानी ये नॉर्मल लाइन है तो ये ऐसे हो, है ना। इस फिर इसका एंगल ये एंगल हो गया, एक ये हो गया, इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक था, रेयर और डेंसर, ऐसी अपोजिट भी होता है, एक होता है डेंसर टू रेयर। मान लो ये भी ग्लास है पूरा, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है, और इधर आने के बाद दोबारा देखो, अब ये वाटर से एयर में जा रहा है ना, अब ये वाटर से दोबारा एयर में जा रहा है, तो क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट आई ऐसे, हम इस पे भी नॉर्मल लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, जैसे ही अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर में जा रहा है, तो वो कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब जैसे ही वो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो ये नॉर्मल लाइन है, इससे दूर चली,
मतलब क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर हो जाता है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और डेंसर से रेयर हो जाता है तो नॉर्मल से अभी दूर चला जाता है ना। तो ये दोनों केस है, रेयर से डेंसर का, डेंसर से रेयर का केस। ठीक, और नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा सारा पार्ट जो था वो रिफ्लेक्शन के अंदर है, ठीक है, और रेयर टू डेंसर हो गया। एक चीज हमें ये देखना है, एक होता है हमारा स्नेल्स लॉ, है ना। स्नेल्स लॉ क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ऐसी कोई रे आई, हमने नॉर्मल लाइन खींची, ठीक है, मान लो ये एयर है और ये वाटर है, या कह सकते हैं इसको रेयर और इसको डेंस, ठीक है। क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो गया, है ना। मीडियम चेंज होने का मतलब रिफ्रैक्शन होता है। देखो क्या होगा, रेयर से डेंसर में जा रही है मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जाती है सीधी, है ना, लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, तो टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट ऐसे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये वाला। तो क्या होगा, अगर एक ही मीडियम होगा आपका, यानी एयर डेंसर डेंसर, एक और मीडियम मान लो ये भी कोई रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल लाइन है आपकी, ठीक है, ये ऐसे शिफ्ट हो गई, तो दोनों का मीडियम सेम है, ये भी एयर से वाटर है, ये भी एयर से वाटर है ना। या मैं यही सर्फेस ले लूँ, यही सर्फेस ले लूँ, ये ऐसे गया, ये नॉर्मल लाइन आपकी, है ना, ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये वापस ऐसे चली गई, फिर ऐसे गया, यानी ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे गई। तो यानी जो एंगल है, ये जो एंगल है ये किस पे बेस्ड है, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड, मतलब अगर जब तक मीडियम सेम होगा तो इनके जो आंसर होंगे वो कॉन्स्टेंट होंगे, है ना, इस रेशियो से, इस रेशियो के अकॉर्डिंगली इनके सारे एंगल्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन साइन आई अपॉन में साइन आर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये तो था आपका स्नेल्स लॉ, आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था मिरर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। जैसे कि एक है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और एक है हमारे पास कॉन कैप लेंस, बड़ा बड़ा। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस देखने में शेप इसका ऐसा होता है, कॉनकेव का ऐसा होता है, ठीक है, मतलब ये थिक होता है मिडल से और ये थिन होता है। और दूसरे केस के वक्त में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो, इसमें भी एक प्रॉपर्टी है कि लाइट को कन्वर्ज करता है ना, और कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो उसको देख लेते हैं, जैसे कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इस पर अगर कोई लाइट आएगी, कोई रे ऑफ लाइट आएगी, तो ये क्या करेगा, उन सबको कन्वर्ज कर देगा, है ना, मतलब एक पॉइंट पे लाके उसको मीट करवा देगा। ऐसी कोई रे ऑफ लाइट आएगी वो भी जाएगी, ऐसी कोई रे ऑफ लाइट आएगी, यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को कंजर्व करता है, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं उसको, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं कॉनकेव को, क्योंकि कॉनकेव क्या करता है, कॉनकेव के पास अगर रे ऑफ लाइट आती है तो वो कन्वर्ज नहीं करता, वो डाइवर्ट करता, ठीक है, वो कुछ ऐसा है, इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो सेम आपको प्रोसेस पता लग गया, कॉन्वेक्स लेंस कंजर्व और ये डाइवर्ज,
दूसरा चलते हैं, अब हम इमेज प्रमोशन देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का ही देखते हैं। जैसे कि पहले कुछ रूल बता देता हूँ, जैसे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये पहले देखो, जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें दो सर्कल ऑप्टेन हो सकते हैं, एक तो सर्कल ये हो सकता है, एक तो सर्कल ये हो सकता है ना। तो इसके दो सेंटर हो सकते हैं, एक ये सेंटर है, एक ये सेंटर है ना। इसको हम सी वन ले लेते हैं, इसको सी टू ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दो सेंटर का वेचर होगा, सेंटर का वेचर कितना होगा, दो दो, क्योंकि लेंस है, लेंस को तो दोनों तरफ से देखा जा सकता है ना, तो बाईफोकल लेंस भी कर सकते हैं। तो ये है और एक ये, और इन दोनों को मीट करा दिया जाए तो ये इस लेंस का ये बन जाता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सेस, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक। चल इमेज प्रमोशन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया लेंस, ये है आपका एफ वन ले लेते हैं, इसको एफ टू ले लेते हैं, इसको टू एफ वन ले सकते हैं और इसको टू एफ टू ले लेते हैं। ध्यान रहे कि जो गैप है बिटवीन इस मिडल पॉइंट की, इसको मैं ओ ले लेता हूँ, ओ से एफ वन का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए एफ वन से टू एफ वन तक, ऐसे ही सेम ओ से एफ टू का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए एफ टू से टू, यानी इन सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको स्केल से बना लेते हैं, ठीक होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो टू एफ वन से पीछे है, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ, है यहाँ से रे ऑफ आइडिया सबसे पहले पैरेलल रहेगी, कोई भी पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से, तो ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास, ठीक है। कम से कम दो रेस चाहिए इमेज को परफॉर्म करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर से पास करेंगे, तो यहाँ से जाएगी, कहाँ कट हुई है, यहाँ कट हुई है ना। जो रिफ्लेक्ट होगा रेस वो कहाँ, किस पॉइंट पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पर मीट कर, तो जो इमेज है वो ऐसे, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, जब हम इसका फॉर्मेशन लिखेंगे क्या फॉर्मेशन हुआ है, तो देखेंगे हम इमेज जो है वो रियल है या इन्वर्ट, रियल है इन्वर्टेड है, क्योंकि जो लेंस के सामने ही बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट्स है रियल है, रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड किसको बोलते हैं, उल्टी इमेज, ये ऐसे थी ये ऐसे था, ठीक है। साइज ये कुछ इसमें ऐसा बन गया, लेकिन ये छोटी साइज होती है इसकी, तो डिमिनिश्ड साइज जो है वो आपकी डिमिनिश्ड है, छोटी है। तीसरा और क्या है इसमें, रियल इन्वर्टेड हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है। और बनी कहां पे है, एफ टू और टू एफ टू बीच, बिटवीन बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू, ये ठीक है। ऐसे हम करके देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एट टू एफ वन, जब टू एफ वन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तब चेक करेंगे, फिर इन दोनों बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर चेक करेंगे, एफ वन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर चेक, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे डायग्राम्स आपके बुक्स में अवेलेबल है, जिसको आप देख के कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, फिर हमारा आता है मैथमेटिक्स, है ना। जो मिरर के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए सबसे पहले मिरर हमें पता होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंगली हमारा फोकस है ना, वो प्लस होगा या माइनस होगा, साइन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या इसका देखें,
कॉनकेव का और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें फोकस पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव, अगर इसको सर्किट ऐसे बनाए करें तो ये हो गया, इस तरफ क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, इस तरफ क्या होंगे नेगेटिव होंगे, तो फोकस सिंपली पता है हमें नेगेटिव ही होगा। इसमें देखते हैं, ये बन गया, ये ऐसे हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका फोकस क्या होगा पॉजिटिव होगा। दूसरा चीज देखिए, इसका जो हम सी बनाते हैं और एफ बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका भी माइनस में ही होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लस में होगा। ठीक है, और क्या चीज है, एफ हो गया, फोकस नेगेटिव में, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया। ठीक है, और इस पर भी आपका ये सी आपका पॉजिटिव है। और एक चीज और, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर देखो यू, तो यू जो होगा आपका इसमें, जैसे ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो भी किसमें होगा नेगेटिव में होगा, लेकिन इसमें यू देखें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको रिमेम्बर रखना होता है हमें मैथमेटिक्स क्वेश्चंस के लिए। तो इतने टॉपिक्स क्लियर करने के बाद जो हमारा ये ऐसे नंबर 10 है, इसका हम कवर कर लेते हैं, बाकी जो और कोई क्वेश्चंस वगैरह हो आपको तो आपको व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। थैंक यू।